धामनगर उपनिर्वाचन पर वर्तमान जमिलानी प्रचार आज धामनगर एनएससी रे जो कांग्रेस प्रार्थी होती बाबा हरेकृष्ण से प्रचार कांग्रेस एवं आज सामिल होती आसिक पीसीसी सभापति शरद पटनायक अच्छा कांग्रेस महिला सेल बा महिला मोर्चा सभानेत्री बंजा पीड़ा अच्छा सहित कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा अच्छा भोट विचार कहीं जेहतु धामनगर उपनिर्वाचन पर वर्तमान जोरदार धरला प्रचार मैदान और आज किसी दिन पर जेहतु भोट प्रक्रिया आरंभ हम कि पूर्व जो भाव में आज सीधा दृश्य देखुए जो प्रचार बर्तमान जोरदार चलती प्रचार जोरदार रहा भोट भिक्षा बर्तमान प्रार्थी करते स्टार प्रचारक मैंने जेहतु हाइवोल्टेज प्रचार बर्तमान चलती स्टार प्रचारक मैंने कैंपेनिंग जोरदार कर आम जाक आलोचना करवा जो अच्छा पीसी सभापति शरद पट्टनायक प्रार्थी केमती भोट भिक्षा कर सहित भोट भिक्षा केमती रेस्पोंड मिलू कांग्रेस को आम आलोचना सीधा साल भाव में करवा जाए कि कौन कौन सर केमती रही माहौल बर्तमान धामनगर उपनिर्वाचन माहौल चली जनसाधारण को एप्रोच करने सब आम घर को घर बुलू कल तेड़ी गत दु दिन है तेड़ी ब्लॉक सब रोड शो थिला वर्तमान कल धामनगर अधिकांश पंचायत पुणी आम कल बुलिकर आसलु रोड शो करी अनेक विधायक वृंद वरिष्ठ नेता माने पूर्वतन सभापति सब कांग्रेस नेता माने जाए जाए सब एप्रोच कर जो लड़ाई हवा को जाऊँ वर्तमान मत जनसंतोष बहुत चारिड़े व्यापी बीजेडी बीजेपी विरुद्ध विशेष भाव में दरदाम वृद्धि युवक मान प्रति अन्याय चाषी प्रति हईराण कर जोटा चाषी मैंने आज आत्महत्या कर महिला मान को न्याय नहीं आईन श्रृंखला परिस्थिति खराब 22 वर्ष पर आज मुख्यमंत्री मौलिक सुविधा दे पारे ना ओडावासी को धामनगरवासी बुद्धिजीवी ज्ञानी पुणी से परिवर्तन चाहते निश्चित भाव में उपनिर्वाचन कांग्रेस सपक्ष में आशीर्वाद करेंगे बोली मोर दृढ़ विश्वास भोट पाइबार आशा रखुच्छे कहीं गत थर 7000 भोट आप प्रार्थी को भेटाला एथर जेहतु प्रार्थी एठाकर स्थानीय बासिंदा रही आशा कौन कर प्रार्थी के भोट कौन आस गत थर कौन थिला आमर परिस्थिति भल नथिला ठीक अच्छे कम भोट पाइलु किंतु परिवर्तन जोटा हवा को जाउची आगामी दिन रे निश्चित भाव से परिवर्तन हबो एवं धामनगर उपनिर्वाचन को एटा आरंभ हबो आमर लड़ाई जोरसोर कर चली तो से क्षमता अच्छा जहाँ करवा कथा करेंगे किंतु से सहज नुह टॉप लड़ाई हबो टॉप लड़ाई हबो कांग्रेस प्रति आकुंठ समर्थन बढ़ुची लोक मु जो आड़े जाऊँ लोक मैंने शह शह लोक जो आसिक ठिया होणवाक से जना पड़ी कांग्रेस प्रति लोक आशा आसू पुणी कांग्रेस आसूसी फेरुची बीजेडी बीजेपी तो भाई भाई दिज मिशी बीजेडी बड़ बड़ स्वप्न देखले बीजेपी स्वप्न देखले 2 कोटी लोक को चाकरी दबा 15 लक्ष घर को ऋण दबा ये कहले 2 लक्ष युवक चाकरी दबा सब ब्लक जलसेचन करवा धामनगर बना बात्या जिते हूँ कौन साहय कले आज पर्यटन धामनगर अंचल भद्रक मेडिकाल सुकुआड़े गला आज पर्यटन केवल भोट पाई मैंने राजनीति करते भोट सरीगले मैंने जनसाधारण सेवा करने कौन से मनोबृत्ति रखती ना एपं बीजेडी जानते जनसाधारण जा सारे चिन्ह सारे एम अवस्था बेसी दिन नुह आगामी दिन में निश्चित भाव में बीजेडी बीजेपी विकल्प ही कांग्रेस बाहर एवं कांग्रेस आसिले अंचल डेवलपमेंट हम वार्ता जहां वर्तमान देखते पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक जो भाव में पूर्व बीजेपी विधायक थे विष्णुचरण सेठी और जेहतु तक देहांत पर उपनिर्वाचन हो तो इसमें कांग्रेस गोटे आशा रखुच्छी गोटे बड़ पर हम जहां कहु तो इसप्रति आम सीधे सख्त जी आलोचना करवा अनेक नेता अच्छा एसीसी सेक्रेटरी आसिक निजे आसिक पहुंचे प्रार्थी प्रचार करो आलोचना करवा कम रही माहौल केमती माहौल बर्तमान रही खास कर कांग्रेस प्रति केमते समर्थन मिलुच्छे बर्तमान धामनगर उपनिर्वाचन कांग्रेस का तो स्थिति बहुत अच्छा है जो भी ट्रेडिशनल वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का है सब कुछ अभी इस बार कांग्रेस पार्टी को जो लोकल कैंडिडेट है उसको जिताने के लिए है और खासकर जो बीजेडी और बीजेपी दोनों एक ही है यहाँ पर वो तो एक्सपोज हो गए पार्लियामेंट के में भी पार्लियामेंट के बाहर में भी दोनों एक ही है तो इसलिए जानते हैं लोग एक्सपोज हो गया है 100% सुनिश्चित है कि आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी जीतेंगे।
जैसे कांटे की टक्कर अब हो रही है यहाँ पे इस चुनाव मंडली में, अर्थात ये जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है यहाँ पे बीजेपी और भाजपा ये दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है, कांग्रेस की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस का भी बहुत अच्छा सारा ट्रेडिशनल वोट बैंक है, हमारा जो हैंड सिंबल है वो बहुत पुराना पहचाना था लोगों के बीच में, तो बीजेडी अभी डिबेट हो गया, बीजेडी का ऑफिशियल कैंडिडेट हो गया और जो इंडिपेंडेंट रेबल कंटेस्ट करे वो भी हो गया, तो बीजेडी का कोई चांसेस नहीं है, खासकर बीजेपी का भी इस 8 साल में देख लिया है मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गैस डीजल पेट्रोल का दाम ज्यादा हो गए, तो इसलिए बहुत लोग बीजेपी भी एक्सपोज हो गए, तो 100% ये सुनिश्चित है कि लोग चाहते हैं कांग्रेस को, क्योंकि राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा जहाँ कन्याकुमारी में शुरू हुए, तमिलनाडु में बहुत अच्छा सक्सेस हुआ, बाद में केरला में भी, कर्नाटक में भी, आंध्रा में भी, अभी तेलंगाना में चल रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा और इस देश की विचारधारा एक ही है, कांग्रेस पार्टी चाहते हैं इस देश में सब मिलके चलना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भाषा भेद नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, कोई दूसरा भेदभाव नहीं है, सब सेक्युलर फोर्सेस जो भी है कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे, 100% कांग्रेस विल बाउंस बैक। कांग्रेस का सर कौन सा मुद्दा यहाँ पे है जो काम करेगा और आपको उम्मीद है कि यहाँ की जनता कांग्रेस को वोट देगी? 100%, क्योंकि अब 20 साल से बढ़कर बीजेडी का सरकार को देख लिया, कोई विकास नहीं, देखो आपका रोड देखिए, ड्रेन्स देखिए, इतना बैकवर्ड है, इसमें कोई नया इंडस्ट्रीज नहीं आए, कांग्रेस पार्टी जब जेपी पटनायक जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी जब गवर्नमेंट में थे उसी समय में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हुआ, जो मेडिकल हुआ, जो एजुकेशन हुआ, जो कुछ भी हुआ विकास कांग्रेस के समय में हुआ, कांग्रेस विकास बहुत कुछ किया है उस उड़ीसा के क्षेत्र के, अब कम से कम 20-25 साल होने हो रहे, लेकिन बीजेडी का गवर्नमेंट में कोई विकास नहीं, इंडिविजुअल विकास ज्यादा है, मुख्यमंत्री जी उनका जो IAS IPS ऑफिसर लोग ही इस स्टेट को चलाते हैं, इस स्टेट में क्या है डेमोक्रेसी नहीं है, कोई मंत्रिमंडल है, मुस्लिम माइनॉरिटीज के मिनिस्ट्री में चांसेस नहीं है, और बहुत सारे लोगों ट्राइबल्स का कोई कुछ ये नहीं है, दलित का कोई कुछ नहीं है, ओबीसी का कुछ नहीं है, बहुत सारा आप लोकल इलेक्शंस में देखा है ओबीसी का रिजर्वेशन, वो ओबीसी का रिजर्वेशन भी नहीं मिला, ऐसी माइनॉरिटीज का भी बहुत कुछ, जो कांग्रेस पार्टी पहले सचार कमेटी का रिपोर्ट बनाया था, सचार कमेटी रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लागू किया था, ऐसा कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए लोग जान चुका है बीजेपी क्या है और बीजेडी क्या है, 100% आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होगा, कांग्रेस एक ही विचारधारा है इस देश में सबको मिलके लेके जाने वाला है, सेक्युलर फोर्सेस जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग चलते, कोई जात भेद नहीं, कोई वर्ग भेद नहीं, तो डेवलपमेंट विकास जैसा कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बहुत सारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाया था, अब आप देख लीजिए जो भी है प्राइवेटाइजेशन के रूप में सब भेज दे रहे, आपका एयरपोर्ट्स भेज दे रहे, पोर्ट्स भेज दे रहे, और खासकर भुवनेश्वर से पूरी तक जो नेशनल हाईवे वो भी भेजना चाहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट, तो मालूम हो गया पूरा जरा एक्सपोज हो गया, तो 100% आने वाले समय कांग्रेस होगा, ये यही से शुरू होगा, ये बाई इलेक्शन से एक अच्छा मौका है लोगों को, इसको बदलाव चाहते है तो विकास के लिए और चेंज के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देना, कांग्रेस कैंडिडेट को जिताना। जो परिवर्तन कथा जाकि कहते ACC सेक्रेटरी और ता सहित ये देखुवे कांग्रेस समर्थक कांग्रेस विधायक कांग्रेस अनेक नेतृमुंड समस्त आसिक प्रचार बर्ज कर बाबा हरेकृष्ण सेठी जी रही कांग्रेस प्रार्थी समस्त भरोसा गोटे रोचे कांग्रेस नेतृवृंद को कि कांग्रेस एथर भल प्रदर्शन कर सहित खास करके जहाँ सब बड़ कथ कहला बड़ परिवर्तन कथा जिते बड़े कहते कांग्रेस नेतृवृंद मैंने कितु यह भोट्रे किप भाव में कनभर्ट करेंगे और धामनगरवासी मैंने क्या उपर आस्था प्रकट कर छोड़े रिजल्ट प्रकाश सेतेबेले कहा मुंडरे विजय मुकुट पिंधौछन्ति धामनगरवासी ता तो समय ही कहिबो। धामनगरु वीडियो जर्नलिस्ट सुब्रत दास को सह इमरान खान अर्गस न्यूज़।